महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे तो तेलंगाणा सीएम केसीआर भेटी मुगिसिंदी। केंद्र प्रभुत्वंपై व्यतिरेक कूटमि की मद्दतु कूडगट्टे प्रयत्नालो भागंगा ई भेटी जरिगिंदी। केंद्र प्रभुत्व विधानालपै केसीआर उद्धव ठाकरे चर्चिंचारु। सायंत्रं शरद్ పవార్ తో केसीआर भेटी కానున్నారు। జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించనున్నారు। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे तो तेलंगाणा सीएम केसीआर भेटी मुगिसिंदी। केंद्र प्रभुत्वंपै व्यतिरेक कूटमि की मद्दतु कूडगट्टे प्रयत्नाल्लो भागंगा ई भेटी जरिगिंदी। केंद्र प्रभुत्व विधानालपै केसीआर उद्धव ठाकरे चर्चिंचारु। सायंत्रं శరద్ పవార్ తో केसीआर भेटी కానున్నారు। జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించనున్నారు। मिलके बहुत प्रसन्नता मिली है। हम दोनों ने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर काफी लंबा चर्चा की है। काफी बातों पर हमारी सहमति हुई है कि आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिलकर काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम कायल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे। में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम कायल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया, बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेनी है, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीज़ों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में, तो हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छी आज बात हुई। कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है, इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए, देश के युवा को, नौजवान को,
देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से, सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत।